हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमिला IND चैप में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि रोटी सब्जी दाल चावल बनाने का मन नहीं करता है। अगर आपका जब मन नहीं करे तो इस तरह से बना लो। ये देख पा रहे होंगे, सब्जी रोटी दाल चावल सभी का ये पूरा करेगा। खाने में बहुत स्वादिष्ट है, तो एक बार ज़रूर बनाना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए हम लिए प्रेशर कुकर, उसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के सरसों का तेल। तेल को थोड़ा सा गर्म करना है। इसके बाद डालेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा। जीरा को सुनहरा करना है। तो देख पा रहे होंगे जीरा हमारा सुनहरा हो गया है। इसके अंदर डाला हमने हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, साथ में लहसुन और प्याज। सभी को थोड़ा सा भून लेंगे प्याज को डाल के। फ्रेंड, इसके बाद हम सब्जियां डालेंगे, जैसे बारीक कटा हुआ बीन्स, आलू, और भी आप इसके अंदर सब्जियां ले सकते हो, शिमला मिर्च, गाजर। जैसे हमने इसके अंदर डाला टमाटर, सभी को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमने डाला इसके अंदर दाल। तो फ्रेंड्स, आप अपने मनपसंद के अनुसार दाल ले सकते हो। ये हमने रहर और मसूर का दाल लिया। इसके अंदर डाल के अच्छे से क्या करना है, पहले मिक्स करना है। अब इसके अंदर डालेंगे चावल, देख पा रहे होंगे चावल को डाल देंगे, फिर मिक्स करेंगे। इसी तरह से डालना है। सभी को हम डाल लिए हैं, अब मिक्स कर लेंगे पहले, यानी मिला लेना है, देख पा रहे होंगे। अब डालेंगे इसके अंदर हल्दी, 1/2 टेबल स्पून से कम हल्दी लिया हमने। गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून से कम है फ्रेंड्स। मिर्च पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा हम नहीं लेंगे। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो और ले सकते हैं। अब इसके अंदर डाल देंगे पानी। पानी डाल के 1 खद्दा आने तक पकाएंगे, यानी 1 बॉयल आने तक। हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, फिर इसे कवर करेंगे 1 ढक्कन से। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेकर लास्ट तक इस रेसिपी को ज़रूर देखना। बनाने के लिए खाने में बहुत स्वादिष्ट है, बनाना बहुत ही आसान है। इसे हमने कवर कर लिया है, इसमें खद्दा लाने देंगे पहले, यानी आने देंगे। हमने लिया ऐसे आटा, एक पूड़ी जैसा आटे को बेल लेना है, ठीक है। फिर हम बेल के एक देख पा रहेंगे, ऐसे हमने पूड़ी जैसा बेल के तैयार कर लिया है। अब ऐसे हमने फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, ऐसे ही जितने हमारे आटे हैं ऐसे ही बना के हम तैयार कर लेंगे। कुछ ऐसा बना के तैयार करेंगे फ्रेंड्स, देख पा रहे होंगे। एक बार इसे ज़रूर बनाना फ्रेंड्स, और खा के कमेंट करके हमें ज़रूर बताना ये हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इस तरह से बॉयल लाना है। अब इसके अंदर हम सारे आटे को डाल देंगे इसी तरह से, देख पा रहे होंगे, ऐसे ही डाल लेना है। अब इसके अंदर डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा फ्रेंड्स, बनाना बहुत ही आसान है। एक बार बनाना और खाना, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि ये रेसिपी हमारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना फ्रेंड्स। जब भी हमारे घर में नमक डालने के बाद फिर अच्छे से मिक्स करना है, फिर इसे हम कवर करेंगे, यानी कुकर का ढक्कन लगा लेंगे, और 1 सीटी आने तक हम पकाएंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे। तो सीटी हमारी आ गई है फ्रेंड्स, हमने खोल लिया है, यानी ढक्कन हटा लिया है, देख पा रहे होंगे ये हमारी रेसिपी बनके तैयार हो गई है फ्रेंड्स। इस तरह से हमारी बनी है। ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं रखना है, ऐसे ही पतला बनाना है। इतना पतला अगर बनाओगे ना, उतना ही खाने में टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स, एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। बनाना और खाना, फिर मिलेंगे नई रेसिपी।